तो ये फॉलोअप ट्यूटोरियल है पुराने ट्यूटोरियल्स का। अगर आपने पुराने ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक एक्सरसाइज देखी थी, ये वाली, जहां हम पांच पांच नोट्स आगे आगे जाते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम उसी एक्सरसाइज को हल्का सा चेंज करके उसका वेरिएशन प्ले करेंगे, जिससे हमारा हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा। हैंड कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पियानो प्ले करने के लिए। हैंड कोऑर्डिनेशन से लेफ्ट हैंड में अलग, राइट हैंड में अलग, या फिर सेम चीज़ें बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से प्ले कर सकते हैं। हैंड कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, उसमें से एक ये वाली है, जिसमें आप जहाँ पहले सी डी ई एफ जी, डी ई एफ जी ए और ऐसा आगे आगे दोनों हाथों से सेम कर रहे थे, इस वाली एक्सरसाइज में आपको लेफ्ट हैंड में वही करना है, सी डी ई एफ जी डी ई एफ जी ए, पर राइट हैंड में इसका ऑपोजिट करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रख लिया यहाँ पे, राइट हैंड रख लिया यहाँ पे, लेफ्ट हैंड में सी, राइट हैंड में जी, लेफ्ट हैंड में ऊपर जाना है, राइट हैंड में नीचे जाना है, ए ई और ई एक साथ। ये देखो, लेफ्ट हैंड में मैं ऊपर जा रहा हूँ, राइट हैंड में मैं नीचे आ रहा हूँ, दोनों एक साथ। ये होने के बाद शिफ्ट करना है डी पे, दोनों हाथ ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे डी पे, और सेम चीज, शिफ्ट शिफ्ट। अगर मैं पूरा एक साथ प्ले करूं, तो ऊपर पहुंचने के बाद शिफ्ट करो नीचे, शिफ्ट शिफ्ट। ये एक पूरा लूप हो जाएगा। इसमें भी वही पॉइंट्स अप्लाई करना है कि फिंगर्स को ऐसे जंप नहीं करना है, फिलहाल के लिए कैजुअली हाथ रखना है, कि इसको टच होनी चाहिए आपके सारे फिंगर टिप्स, और वहां से बिल्कुल उठने नहीं चाहिए जब आप प्ले कर रहे हो ऐसे। देखो कुछ भी उठ नहीं रहा है, और ऐसे आगे आगे करते जाना है। उसके बाद नीचे आना है, आप सही नोट्स तो प्ले कर लोगे, पर नोट्स को सही से भी प्ले करना है। ठीक है, आप सिर्फ सही नोट्स प्ले करके आपके फिंगर्स आसपास जा रहे हैं वो नहीं चलेगा। आपको कंसंट्रेट करना है, आपको फोकस करना है कि मेरे फिंगर्स उठे नहीं, मेरा शेप मेंटेन रहे। ठीक है, तो अभी हमने दो चीज़ें कवर कर ली। पहले इसमें दोनों हाथ ऊपर जा रहे हैं, दूसरे इसमें लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। अभी तीसरे वेरिएंट में आपको लेफ्ट को नीचे लेना है और राइट को ऊपर लेना है। देखो सी और जी, लेफ्ट हैंड में जी, राइट हैंड में सी। ये होने के बाद शिफ्ट डी पे आ गए, ई पे आ जाओ, यहाँ पे ऊपर आने के बाद वापस से नीचे जाना है, शिफ्ट करना है, और मोशन सेम ही रहना चाहिए, मोशन चेंज नहीं करना है। ये थर्ड वेरिएंट थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि इसके पहले मैं कहाँ पे था। तो जरूरी है कि आप इसको स्लो करो, इससे भी ज्यादा स्लो अगर आपको जरूरी लगता है, और इसे टुकड़ों में प्ले नहीं करना है,
नहीं ये गलत है, आपको आपको टाइम पे नोट मिल रहा है तो आप फास्ट प्ले कर रहे हो, नहीं मिल रहा है तो ढूंढने में वक्त लग रहा है, ऐसा नहीं। जिस नोट को सबसे ज़्यादा वक्त लग रहा है उतना ही टाइम सारे नोट्स को दो। अगर मेरे को समझो यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड लग रहा है तो पूरे इसको इक्वल टाइम दो। आगे ऐसे करते करते ऊपर तक जाना है और नीचे आना यहां पे भी काफी ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, यहां से नीचे आना, पर स्लो प्रैक्टिस करोगे कहां पे थे वो याद रहेगा आपको, आपको पैटर्न याद रहेगा कि सी और डी होता है, बी और एफ होता है, ए और ई होता है, जी और डी होता है। ऐसे एक बार पैटर्न याद हो गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी जाएगा ये करना। तो की पॉइंट्स यही है कि स्लो प्ले करो, फिर आपके फिंगर का स्ट्रक्चर, आपके हैंड का स्ट्रक्चर अच्छा हो, पोस्चर अच्छा हो, और इक्वल इंटरवल में प्ले करो। अगर ज़रूरी पड़े तो आप इसमें मेट्रोनोम भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेट्रोनोम का टाइम सिग्नेचर रहेगा 5/4। 5/4 होता है ये 1, 2, 3, 4, 5, ये लूप पे चलता है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद अपना फर्स्ट वेरिएंट, उसके बाद सेकंड वेरिएंट, तो हर एक बीट पे एक एक नोट और 5/4 का टाइम सिग्नेचर जो 5 बीट्स पे लूप चलता रहता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, इतना बेसिक नहीं है, लाइक बेसिक से समझो एक लेवल ऊपर। जो इसका बाद वाला ट्यूटोरियल होगा उसमें हम हल्का सा ऊपर जाएंगे बेसिक से इंटरमीडिएट में। अगर आपने ये परफेक्ट कर लिया तो वो आपको हल्का सा इजी जाएगा। तो अगले ट्यूटोरियल पे जंप करने से अच्छा आप जो अभी तक हुआ है हमारे ये 1, 2, 3 ट्यूटोरियल्स वो परफेक्ट कर लो। अगले हफ्ते 4th ट्यूटोरियल आएगा, उसमें हम हल्का सा एक नॉच एक लेवल ऊपर जाएंगे और वो भी एक हैंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होगी। तो फिर तब तक वही अब देख लो, सब्सक्राइब वगैरह कर सको, वरना तो चल रही है ज़िंदगी। चलो।